नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। अयोध्या में नवरात्रि में होने वाली रामलीला नवरात्रि शुरू होने से 3 दिन पहले ही प्रारंभ हो गई है। प्राचीन रामलीला स्थल भगवत आचार्य स्मारक सदन में साधु संतों की अगुवाई में रामलीला की शुरुआत हुई। रामलीला के पहले दिन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने भगवान श्री राम के स्वरूप की आरती उतारकर रामलीला को आरंभ किया। इस दौरान अयोध्या के प्रमुख साधु संत उपस्थित रहे। श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के प्राचीन स्थल भगवताचार्य स्मारक सदन में 7 दशक पुरानी रामलीला की शुरुआत हो गई है। संत श्री राम तुलसीदास सेवा समिति के तत्वावधान में रामलीला का आयोजन शुरू हुआ। 12 अक्टूबर से शुरू होकर ये रामलीला 26 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 500 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। जो रामलीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला अयोध्या में मर्यादित हो रही, अद्भुत जिसकी मर्यादा है, ऐसी रामलीला अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। अयोध्या में दोनों रामलीलाएं, यहाँ की लीला एवं राजेंद्र निवास की लीला, दोनों ही अद्भुत मर्यादित है। जैसे हमारे भगवान श्री राम श्री किशोरी जी मर्यादित थी, उनका एक एक पग मर्यादाओं से बंधा हुआ था, एक एक कदम पर मर्यादा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने अपनी अद्भुत लीला को किया। उसी प्रकार अयोध्या में जो श्री राम लीला हो रही, बिल्कुल मर्यादा पूर्ण लीला होती है। यहाँ एक एक गोसाई तुलसीदास जी की चौपाइयों पर आधारित प्रभु श्री राम की मर्यादित लीला होती है। ये संपूर्ण विश्व को संदेश दे रही कि रामलीला अयोध्या जैसी होनी चाहिए। ये रामलीला हनुमानगढ़ी सागरिया पट्टी के महंत और अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी देखरेख उनके उत्तराधिकारी संजय दास और हेमंत दास कर रहे हैं। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि ये प्राचीन रामलीला है। रामलीला भगवान राम के आदर्शों की लीला है, वहीं संतों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। आज से रामलीला शुरू हो गई है, आप क्या कहेंगे, कितना ये जो रामलीला है इसके बारे में क्या कहेंगे? संत श्री तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा आयोजित आज यह रामलीला का शुभारंभ हुआ है। ये रामलीला बहुत प्राचीन है, मेरी जानकारी में कम से कम 62-63 से ये मान के चले कि 60-65-70 वर्ष पुरानी रामलीला है। बीच में किन्हीं कारणों से बाधित हो गई थी, इस बार फिर अयोध्या के पूज्य संत महंतों के द्वारा ये एक शानदार विशाल कार्यक्रम फिर पुनः आयोजित किया गया है। दर्शन का, रामलीला दर्शन का निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है, और मैं ये प्रसन्नता का विषय है कि अयोध्या में जो रामलीलाएं इस समय चल रही हैं वो सब अयोध्या की गरिमा और अयोध्या की सांस्कृतिक जो आज परिदृश्य बदल रहा है उसके अनुरूप पूरे देश और दुनिया को एक संदेशा यहाँ से जाएगा, ऐसी मेरा मानना है। और उसके लिए मैं बहुत बहुत पूज्य संत महंतों हूँ जिन्होंने इसमें अपना योगदान करके इसको पुनः शुरू किया है, अपना आभार व्यक्त करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।